मैं जा रही हूँ मायके और मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एंड वेलकम बैक टू मिश्काज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, फाइनली हम तैयार हो चुके हैं मामा जाने के लिए। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे जाने वाली हो, नहीं मैं अभी नीचे जाऊंगी, साड़ी पहनूंगी। और अभी बाबू नहीं आए हैं, बाबू गए हैं, थोड़ा सा काम था उनका इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। तो मैं आई थी यहाँ पे छत पे पानी रखने के लिए ताकि गर्म हो जाए पानी। रात में मैंने ये मेहंदी लगवाई हुई थी जो कि बहुत अच्छे से रच गई है। मुझे मेहंदी बड़े जल्दी रच जाती है, हालांकि मैंने ये ढंग से सूखी भी नहीं थी, बट इसकी फ्रेग्रेंस से ना मुझे बार बार छींकें आ रही थी। आई डोंट नो क्यों, कभी कभी नहीं आई लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको हटा दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कलर आएगा, क्योंकि जब मैंने हटाया था ना तब बिल्कुल लाइट दिख रही थी मेहंदी, बट पूरे कहते नहीं रात भर में तो अपने आप ही डार्क हो जाती है। हर मेहंदी में आजकल केमिकल आने लगे हैं। सो रेडी तो मैं हो गई हूँ, बस मुझे साड़ी पहननी है और मैं निकलूँगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं कल से इतना परेशान हूँ ना, ये करो वो करो। पहले बात तो मैं परसों मार्केट गई थी, नर्सों भी मार्केट गई थी, मतलब परसों के भी कल मार्केट गई थी। एंड परसों मैं पूरे दिन मार्केट में थी, रात के 10 बजे तो हमारा खाना बना था। एंड उसके बाद कल पूरा टाइम पैकिंग एंड ये चूड़ी उड़ी का सेट बनाने में निकल गया, पैकिंग करने में निकल गया, और कुछ कपड़े वॉश करने थे उसमें भी निकल गया। एंड आज का दिन भी सुबह से, अभी 11 बज गए हैं और सुबह से मैं सिर्फ लगी हूँ, बट मैं तैयार जल्दी हो गई थी क्योंकि मुझे था ही कि मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी और मैं फिर गाड़ी में ऐसे ही बैठ जाऊँगी। साथ में पापा जी जा रहे हैं, नहीं तो क्या होता है ना, मैं अगर गाड़ी में ऐसे भी बैठ जाऊँ ना तो मैं वहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, बट साथ में पापा रहेंगे तो फिर मैं रेडी भी नहीं हो पाऊँगी इस वजह से। एंड मैंने यहाँ पर अभी मेकअप कुछ नहीं किया, जस्ट लिपस्टिक लगाया था और काजल लगाया था, आईब्रोज को फिल किया था, क्योंकि यहाँ से जाके सीधे पार्टी है तो हमें वहाँ पर जाके मेकअप करना ही है, तो मैंने मेकअप नहीं किया। क्योंकि मैंने पपाया लगाया था फेस पे, तो पपाया लगाने के बाद ये होता है कि अगर आप फेस पे मेकअप कर लोगे ना तो वो पपाया के जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं निकल के। इस वजह से मैंने फेस पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ काजल एंड लिपस्टिक एंड आईब्रोज फिल कर ली थी और मांग बिंदी लगा ली थी। सो चलिए चलते हैं नीचे और जो भी रहे कुछ काम है वो भी कर लेते हैं। एंड मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है भाई ये सब मैनेज करना। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, साइड में मैंने दूध गर्म कर दिया है क्योंकि ये हमारे घर की लास्ट चाय है, इसके बाद तो अभी मैं चाय नहीं बनाऊँगी ना। और दूध गर्म कर दिया है क्योंकि पापा ने ला के रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इसे गर्म कर देते हैं ताकि मैं किचन से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि किचन का पूरा काम हो चुका था। सो यहाँ से फिर मैं गई अपने रूम में और ये देखिए मैंने चूड़ी की सेट भी बना लिए हैं, मैंने खुद से बनाए हैं, मतलब बनवाए नहीं हैं, सब कुछ पसारा पसार के मैं बैठी थी यहाँ पे। इस साड़ी का जो मैंने चूड़ी का सेट दिखाया ये है, ठीक है, तो वो उस साड़ी पे जाएगा। उसके बाद ये वाली साड़ी मैं पहन के जाने वाली हूँ, तो इस साड़ी का ये चूड़ी सेट है, ठीक है। सो ये दूसरा सेट हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, रुकना, एक ये मेरी थर्ड वन साड़ी का है, जो मैं तीसरी ये वाली साड़ी पहनूंगी पीच कलर की, तो इसका है। एंड उसके बाद ये ग्रीन साड़ी मैंने रखी, जिसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ पार्टी में उसका सेट है। सो आप समझ चुके होंगे कि मेरी साड़ी का सेट क्या होगा, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरी साड़ी किस कलर की होगी, ठीक है। चूड़ी सेट तो मैंने बता दिया, वैसे इसी कलर की है, ठीक है। तो इसमें जो गोल्डन टच भी था तो वो भी मैंने उस चूड़ियों में मिलाया हुआ है, एंड वाइट स्टोन भी था तो वाइट स्टोन भी मिलाया है क्योंकि उसके कंगन का सेट है। साड़ी भी आप लोगों ने देखी है, फाइनली गाइस मैंने सारी चूड़ियां पैक कर ली हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेट मेरा ये है, तो एक साड़ी का सेट ये है, ठीक है, फोकस करो, एक सेट ये है यहाँ तक का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेट ये है यहाँ तक का, तीसरा सेट ये है जिसपे गोल्डन कंगन जाएंगे, तो मैंने गोल्डन कंगन क्या है ना इस सेट में लगा लिया, जो मैं साड़ी पहन के जाऊंगी उसके हिसाब से, ठीक है। सो तीन सेट हो गए। उसके बाद ये प्लेन चूड़ी मैंने ऐसे रात में सोते टाइम पहनने के लिए या फिर ऐसे ही रख ली है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंगन है, ये तो
ओके फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर की मैं साड़ी रखूंगी तो उस पे ये वाले चूड़ियां जाएंगी, तो इस पे गोल्डन भी है उसमें, तो मैं गोल्डन कुछ भी डाल लूंगी, गोल्डन कंगन वगैरह, और ये वाली कंगन भी डाल सकती हूँ। एक येल्लो साड़ी रखूंगी तो उसके हिसाब से ये वाली चूड़ियां, इनका सेट मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि इस पे गोल्डन चूड़ी जाएंगी। सो यहाँ पे मेरा लगेज जो है वो पैक हो गया है, और इतना सारा सामान देख के पापा बोले क्या महीने दो महीने के लिए जा रही हो क्या, क्योंकि मैंने इतना सारा सामान जो पैक कर लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बच्चे हैं साथ में तो जहाँ चार जोड़ी कपड़े रखने थे वहाँ आठ जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, और कहो और ज़्यादा ही रख लिए हूँ। निकल चुके हैं घर से, और मेरा जो साड़ी का पिन था वो भी पीछे आप देख सकते हैं निकल चुका है, लेकिन अब क्या करूं, जैसे भी निकले ना, मेरे को तो ये था कि भाई जल्दी जल्दी निकलो, बिकॉज निकलते निकलते ही हमको इतना सारा पंखा चला रहे हैं, इसी का कह रही ना बहुत गर्मी लग रही गाइज, हम जबलपुर से आगे पहुंच चुके हैं और मैं बहुत तेज़ तरीके से टायर्ड हो गई हूँ। सबसे पहले इस साड़ी में ये जो लेस है ये मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, मेरे पूरे बाल आगे से ऐसे हो गए हैं, और ये जब भी मुझे बोलते हैं ना मेरे हस्बैंड कि तुम अच्छा सा हेयर कलर ले लो, तुम ट्रीटमेंट ले लो, मैं इनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, भाई मुझसे केयर नहीं होती है। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपने बालों की केयर नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी आप क्या यूज़ करते हो क्या यूज़ करते हो, मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती, बस शैम्पू तेल, हाँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या कंडीशनर यूज़ किया या क्या क्या शैम्पू यूज़ किया, कौन सा मैं हेयर सीरम तो मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, एंड अगर कोई पैक वगैरह लगाती हूँ तो वो भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी बालों की दशा बन चुकी है, हालाँकि मैंने हेड वॉश लिया था जिसकी वजह से बाल खुले थे मेरे, एंड इस बार का सफ़र मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि सबसे पहले तो मैं ये बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, अगेन पहले करती थी मैं ऐसे। ओके सो पैकिंग करना मेरे लिए बहुत टफ हो गया था क्योंकि मुझे खुद की पैकिंग करनी थी जो कि बहुत टफ था। शादी ब्याह में जा रहे हो तो आपको ऑन पॉइंट चीज़ें चाहिए विथ ज्वेलरी, मैंने ज्वेलरी रखी है बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं ज्वेलरी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि
मुझे आजकल वो सिंपल लुक अच्छे लगते हैं कि आप बिल्कुल सिंपल अच्छी सी साड़ी पहन लो, अच्छी सी चूड़ी पहन लो, ज्वेलरी वगैरह मैं नहीं डालूँ लगाऊँ मतलब यूज़ करूँगी, बहुत मुश्किल है मैं करूँ यूज़। और बहुत सारी पैकिंग कर ली इस बार, तो पता पापा ही बोलने लगे, कहते भाई से लग रहा महीने भर के लिए जा रही हो क्या। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जा रही हूँ, आप लोग पूछे उसके पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं जा रही हूँ मायके। मतलब शादी के बाद मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एंड मैं किसके मायके जा रही हूँ ये मैं ज़रूर आपको बता दूंगी, लेकिन वीडियो में बनी रहिए तब बताऊंगी, अभी तो आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। मैं खुद के मायके जा रही हूँ या किसी और के मायके जा रही हूँ, बट आप लोग सच बताना मैं खुद के मायके जा रही हूँ क्या। आप लोगों को ऐसी वाइब आ रही है क्या। पापा भी यहाँ पे, पापा रुके हैं तो वो पी रहे हैं चाय। पापा ने बोला कुछ खा लो बिकॉज ये बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब ये रुकने की ही जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं बस वगैरह खड़ी है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक के खाना पीना भी खा रहे हैं, बट मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मैंने पूड़ी और टमाटर प्याज की बहुत ही अच्छी चटनी बनाई थी, वो जो गैस पे बनाते हैं, पीसी नहीं थी, सो वो वाली चटनी बनाई थी। सो हम लोग वही खा के आए हैं, ठीक है। सो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने इनको बोला मुझे खाना नहीं खाना है, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे चाय दे दो, क्योंकि चाय की मैं बहुत अतः दीवानी हूँ। सो मैंने इनको बोला, और बाकी ये बोल रहे थे कि मैं कुछ खा लूँगा, तो वो पापा के पास ही बैठ के खा रहे हैं, और मिशिका सो रही है, मंस मेरे पास है, एंड मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं बस खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो चलिए वीडियो में बने रहिए, एंड मैं, पापा साथ में रहते हैं तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं आज भी, मुझे सालों हो गए हैं YouTube पे, लेकिन वही होता है कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मुझे पापा के सामने वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं उनके सामने बात कर सकूँ, और मैं बात नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों वो अंदर से आता नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सच बताऊँ ना, पापा आ जाते हैं, मेरा ये आईफोन है, मतलब अगर गिर जाए तो मेरे प्राण निकल जाते हैं भाई, 2 लाख का मोबाइल है, ऐसे वैसे थोड़ी ना है। तो लेकिन पापा आ जाते हैं ना, मैं इस मोबाइल को भी ऐसे साइड में पट्टे से पटक देती हूँ, फिर बाद में सोचते हैं अरे भाई ये क्या किया। कभी कुछ नहीं बोलते मेरे पापा, इवन वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा यही बोलते हैं। इवन आज भी बोल रहे थे कि क्या लाइट वगैरह ले जानी पड़ेगी आपको आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने कहा नहीं पापा, मैं कौन सा मेकअप वीडियो करती, पहले क्या होता था ना, मैं दमोह, जब इंदौर से दमोह आती थी तो मैं लाइट्स वगैरह लाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं लाती हूँ, मतलब यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं लाइट, इसमें अच्छा आ जाता है, अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, एंड इसकी सेटिंग का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, तो देखते हैं अभी हम लोग आएंगे तो फिर दिखवाते हैं, इसको दिखवाना पड़ेगा, इसकी सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है समटाइम इसकी वीडियो कॉल। ए रब्बा, सो आई थिंक पापा आने वाले हैं, सो हम बात करते हैं आपसे बाद में, कैसा लगा ये लुक कमेंट करके बताइएगा। ये चूड़ी मैंने खुद से सेट की थी, आप लोगों को दिखाई भी थी। सो फाइनली गाइस हमारी चाय आ गई है, और पापा और बाबू अभी अपना वहीं पे कर रहे हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा कार में ही दे दो क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, इनको उठाओ वहाँ बैठो, मेरे बस की था नहीं, तो मैंने इधर ही मंगा ली, और ये मुझसे देखो गिर भी गई, तो कैसा कप दिख रहा है, अजीब सा। चलो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज यहाँ पे मैं अपनी चाय इन्जॉय कर रही थी, साथ में मुझे ये भी था कि मैंने पल्लू हटा रखा था क्योंकि बालों में बाल, मतलब पल्लू जो वो लेस थी ना वो बहुत फंस रही थी, और मैं पापा को भी देखते जा रही थी कि कहीं अचानक से वो ना आ जाए। एंड यहाँ पे हम जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पे शक्कर की बहुत बड़ी मिल थी जहाँ पे शक्कर बनती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बराई जो होती है ना वो रखी थी ट्रैक्टर पे, और ऐसे ट्रैक्टर कम से कम वहाँ पे 200 से 250 लगे हुए थे, और अंदर जो मिल थी वहाँ पे भी इतना बड़ा, मतलब 2-3 एकड़ का जो प्रॉपर्टी नहीं होती उतनी पड़ी थी, उधर पे भी ट्रैक्टर लगे हुए थे। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी लाइन ट्रैक्टर्स की देखी, वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर पड़े हुए थे वहाँ पे। सो बस हम यहाँ से आगे बढ़े, और हमें मतलब सफ़र करते करते पूरे 5-6 घंटे हो गए थे, और हमारी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन भी हो गई थी। बट मैं ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी क्योंकि बार बार आना नहीं होता है, और आप लोगों को ये वाला सफ़र तो मुझे दिखाना ही था, क्योंकि मैं पहले से ही सोच के आई थी कि ये सफ़र आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो ट्रैक्टर आते जा रहे थे और लाइन में लगते
जा रहा था जबकि शाम हो गई थी। एंड यहाँ पे मिशिका के कपड़े चेंज करने पड़े थे क्योंकि मिशिका ने कर ली थी वॉमिटिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे हो रही थी शाम। सो डूबते सूरज के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई रियली होप गाइस कि आज का ब्लॉग पसंद आया।